नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत टीवी में पुष्पेंद्र कुमार। इस समय हम आ पहुंचे हैं इटावा से कम से 30 किलोमीटर की दूरी पर। यह सिद्धनाथ बाबा का मंदिर है जो कि पास की अगर बात की जाए तो पास यहां सैसो थाना है उसी के संबंध ये मंदिर बना हुआ है जो कि भोलेनाथ का प्रसिद्ध मंदिर है। अगर बात की जाए इस मंदिर की तो यहाँ पर हजारों की संख्या में दर्शन करने के लिए श्रद्धालु आते हैं। बात की जाए तो यहाँ पर दंगल का भी आयोजन किया जाता है। बताया जाता है कि दंगल का जो आयोजन है वो 70 वर्षों से चल रहा है। इसी के चलते हमारे जो साथ में एक बुजुर्ग बाबा खड़े हुए हैं इनसे हम बात करेंगे। इस मंदिर की स्थापना कब हुई थी और यहाँ कितने श्रद्धालु दर्शन करने के लिए आते हैं और यहाँ दंगल का भी आयोजन किया जाता है, कब से जो है दंगल स्टार्ट हुआ था? दादा क्या नाम है आपका? हमारा नाम परमानंद है। कहाँ के रहने वाले हैं? हम हनुमानपुरी, हमारी जन्मभूमि वैसे भरतना में रह रहा हूँ। ये मंदिर क्या आस्था रखते हैं, कितने लोग मंदिर से? बहुत आस्था है हमारे विचार से, समय जी आ रहा है। यहाँ अस्तुस्थामा जो था वो यहाँ उलन खटोला थे, जो इतिहास में लिखा है सोने का उलन खटोला था, वो यहाँ निवास करते थे। बहुत प्राचीन कथा है। जे दंगल का आयोजन कब से किया जा रहा है? दंगल का आयोजन बहुत पुराने वर्षों से किया जा रहा है। बहुत पुराने कहाँ से लोग आते हैं? बहुत दूर दूर के लोग आते हैं, बहुत पुरानी बहुत दूर दूर। क्या आपने कभी दंगल में कुश्ती वगैरह लड़ी है? नहीं नहीं, मैंने नहीं लड़ी। मैंने पहले बार 50 साल पुराने पहले समय आज मैं देख रहा हूँ और हम मीडिया से बात कर रहा हूँ। आपका स्वागत है मीडिया में आने का और धन धन है आपका। सब मैं अपनी बात को खत्म करते हूँ। हमारे साथ कुछ युवा भी हैं जो मंदिर दर्शन करने आए हैं, इनसे पूछेंगे मंदिर पर ये क्या आस्था रखते हैं। लोगों का यह भी कहना है कि सिद्धनाथ बाबा मंदिर का जो एक बार दर्शन करता है यहाँ, जो मनोकामना जो व्यक्ति अपने यहाँ मन्नत मांगता है, पता चला है यहाँ के लोगों के द्वारा उनकी मन्नत जो है वो पूर्ण भी होती है। भैया बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या नाम है आपका? रजनीश कुमार। कहाँ के रहने वाले हैं आप? यहीं पास की मिटाटी गाँव से। क्या आस्था रखते हैं इस मंदिर से आप? बहुत कुछ रखते हैं। लमसम कितने श्रद्धालु यहाँ दर्शन करने के लिए आते हैं? कम से कम सोमवार को तो करीब आते हैं 2-3 हज़ार लोग। शिवरात्रि की बात की जाए तो शिवरात्रि में किस तरह की यहाँ भीड़ देखने को मिलती है? बहुत सारी भीड़, लाखों लोगों की भीड़ होती है। हाँ, यहाँ मेला भी लगा हुआ है तो ये मेला कितने दिनों तक चलता है? ये दो दिन जेंट्स, दो दिन लेडीज रहता है। दंगल का भी आयोजन किया जा रहा है जिसमें हम देख रहे हैं कि सामने अपने कैमरामैन से कहेंगे कि इधर की तरफ दिखाए तो ये जो कि दंगल का आयोजन किया जा चुका है। पहलवान जो है दंगल में राउंड लगाने लगे हैं। बताया जा रहा है यहाँ पर तमाम लोग आएंगे जो कि अभी फिलहाल में इसका उद्घाटन नहीं हुआ है। फिलहाल में तमाम जैसे कि इटावा के लोकसभा सांसद हैं राम सिंह कठेरिया, वो यहाँ पर आएंगे, फीता काटेंगे, दंगल का शुभारंभ होगा। और भी हमारे यहाँ कुछ भक्त मौजूद हैं जो कि पूजा करके अंदर से निकल रहे हैं, इनसे हम बात करेंगे। भैया क्या नाम है आपका? मैं सैलन सिंह, चकरनगर से हूँ। हाँ, कब से यहाँ आस्था रखते हैं? कब से आ रहे हैं? बहुत साल से, जब से कम से कम 10-12 साल से यहाँ आ रहा हूँ। यहाँ बहुत श्रद्धालु लोग आते हैं, नौकरी के लिए भी मन्नत मांगते हैं और यहाँ बहुत सारे शिवरात्रि पर कांवर भी बहुत सारे श्रद्धालु चढ़ाते हैं। आज के दिन बहुत भीड़ होती है। शिवरात्रि के दिन किस तरह की भीड़ हुई थी? शिवरात्रि के दिन बहुत ज़्यादा भीड़ हुई थी, 7-8 हज़ार श्रद्धालु के रूप में यहाँ पर आए। अरे यहाँ दंगल भी लगा है, लमसम कितने पहलवान कहाँ कहाँ से आते हैं? दंगल बहुत दूर से, राजस्थान से लेके उत्तर मध्य प्रदेश तक के, यहाँ हरियाणा तक के भी यहाँ तक आते हैं। क्या नाम है आपको? लालू यादव। कहाँ कहाँ से यहाँ पहलवान आते हैं दंगल? पिछली बार श्रीराम से आए थे और पंजाब हरियाणा यहाँ सबसे आते हैं पहलवान, मेरठ वगैरह आसपास देश विदेश से सबसे आते हैं यहाँ पर पहलवान। यहाँ भोलेनाथ के मंदिर में किस तरह की आस्था रखते हैं आप लोग? यहाँ पर बहुत ही प्रसिद्ध आस्था है, लोगों की मनोकामना पूरी हुई तो यहाँ पर बढ़ता ही चला गया और लगभग 8-10 साल से यहाँ पर बहुत ज़्यादा श्रद्धालुओं का उमड़ हुई है। देखिए ये भोलेनाथ बाबा का मंदिर है, सिद्धनाथ बाबा का मंदिर, अगर बात की जाए तो मंदिर पर इतने लोग यहाँ आस्था रखते हैं। बताया जाता है कि जो यहाँ मन्नत मांगते हैं उनकी मनोकामना पूर्ण भी होती है। बताया जाता है जो दंगल का आयोजन किया जाता है ये 70 वर्षों से होता है, आज इसका शुभारंभ है। इसका शुभारंभ जो करेंगे वो हैं इटावा के लोकसभा सांसद राम सिंह कठेरिया, जो अपने हाथों से यहाँ के शुभारंभ करेंगे। इसी के साथ दंगल शुरू हो जाएगा। बताया जाता है कि यहाँ विदेश तक से यहाँ पहलवान दंगल लड़ने के लिए आते हैं। देखते रहिए भारत टीवी से, पुष्पेंद्र कुमार।